जो प्रदेश भर में चार्टर प्लेन से घूमते हैं हर समय, वो चुनाव के समय आपके सामने साइकिल चला के आए तो आप उनको पहचानिए। आप पहचानिए कि आपकी भलाई किसमें मैं बेहोश होने से उस समय पर बचा था जब राहुल गांधी ने समुद्र में डुबकी लगाई थी और उनके सिक्स पैक एब्स दिख रहे थे। उसके बाद में जब दूसरी क्लिप मैंने देखी थी जिसमें कि प्रियंका गांधी वाड्रा चाय के बगान में जाकर के पत्तियां तोड़ रही थी और उसके बाद वो एक स्पीच में कहती हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैसे तो चार्टर प्लेन में घूमते हैं लेकिन वहाँ से निकलने के बाद आपको दिखाने के लिए वो साइकिल पर चल करके आते हैं। बेहोश होते होते बचती हमारी जनता, हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया हमारी जनता के जब उन्होंने देखा कि वो खुद राहुल गांधी जी पर ही तंज कस रही हैं। मुझे मन में आया कि अगर पुशअप्स लगाने से कोई प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार बनता है तो स्वामी रामदेव में क्या बुराई है, और अगर कोई चाय के बागान में जाकर के पत्तियां तोड़ करके उत्तर प्रदेश या आसाम के मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है तो उस बागान में काम करने वाली जो महिलाएं हैं भला उनमें क्या कमी है। होने को तो वो भी हो सकती हैं। कुछ ऐसी चीज दिखाइए जिससे कि हम लोगों को भी पता लगे कि आपके दिमाग के मसल्स भी बहुत अच्छे हैं और आपके दिमाग में आइडियाज की भी हरियाली है, लेकिन हमें आज तक वैसा कभी भी देखने को नहीं मिला सिवाय इस बात के कि बंटी और बबली दोनों ही एक सुर में कपिल शर्मा शो को, जसपाल भट्टी को या फिर पोगो चैनल पर आने वाले कार्टून के जितने भी प्रोग्राम्स हैं सिवाय उनको टक्कर देने के इन बंटी बबली का कोई दूसरा काम है ही नहीं। जब मैं कांग्रेस के विषय में बात कर रहा होता हूं तो लोग मुझे अक्सर भाजपा समर्थित बता देते हैं या भाजपा का समर्थक बता देते हैं, लेकिन इस तरीके की बकवासें करने से ज़्यादा बेहतर हो कि व्यक्ति आकर सीधे तथ्यों पर बात करे, लेकिन कोई भी आजकल तथ्यों पर बात करता ही नहीं। वो आपको सीधे गोबर भक्त, गोबर खाने वाला या फिर गोबर से जुड़ा हुआ कोई ऐसा शब्द बता करके निकल लेते हैं, क्योंकि इनके पास में इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है इसमें जो शब्द प्रेषित होते हैं ये इनके दिमाग में छप जाते हैं, और जब इनके पास में तर्क, तथ्य और प्रमाण नहीं होते तो ये आपको गोबर से संबंधित कुछ भी बात कह करके सीधे भाग जाते हैं। तो मुझे बहुत सारे मेरे भाइयों बहनों ने पूछा कि भाई ये गोबर शब्द का इस्तेमाल इतना क्यों करते हैं, क्या गोबर से इनकी कोई निजी दुश्मनी है, क्या गोबर ने इनका कुछ बिगाड़ दिया या इनका गोबर से कोई सीधा कनेक्शन है। तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं वो इतिहास जब जवाहरलाल नेहरू जी का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी हुआ करता था। दो बैलों की जोड़ी अपशिष्ट में गोबर ही किया करती थी, लेकिन वो समय था जब कांग्रेसी, कांग्रेसी जन, कांग्रेस के नेता, इवन हमारे प्रधानमंत्री जी उस बैल की जोड़ी का सम्मान करते थे, यानी कि धरती, खेती, गोबर, खाद, इन सब से जुड़ी हुई संस्कृति को अपनाते हुए कांग्रेस आगे बढ़ रही थी। और यही नहीं, बिना चुनाव किए वर्षों तक उन्होंने इस देश पर राज किया। उनकी जो राजनीतिक फसल थी वो खूब दूधो नाती पूतो फलती रही, और इसी का परिणाम था कि इंदिरा गांधी जब सत्ता में आई तो उन्होंने चुनाव चिन्ह रखा गाय और बछड़ा, यानी कि गोबर ही नहीं उनकी जो गाय थी वो दूध भी देने लग गई थी। अब बछड़ा बड़ा होकर क्या बनेगा, बैल बनेगा, और जो गाय है वो दूध देगी। इस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने भी गाय, बछड़ा, खेती, दुग्ध और गोबर खाद से जुड़े हुए चिन्हों को ही प्राथमिकता दी थी। लेकिन उसके बाद में आता है इटालियन अम्मा का राज, और इस काल के दौरान चुनाव निशान बदल करके हो जाता है पंजा। अब पंजा जो है वो बहुत बुरी तरीके से दूषित था, ना ही तो वो कभी सैनिटाइज हो पाया, ना ही कभी भी उसने अपने आप को अच्छे साबुन से धोया, और इसमें लगातार फंगस होते चले गए। गाय बैल को इन्होंने साइड कर दिया, गाय बैल ने मिलकर के इस पंजे के ऊपर कर दिया गोबर और इसको पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया। तब से लेकर आज तक लगातार
गाय और बैल इस खूनी पंजे के ऊपर कंटिन्यू गोबर कर रहे हैं और दशकों में जाकर के ये जो खूनी पंजा है पूर्ण रूपेण मिट्टी में मिल चुका है। ये वही कांग्रेस है जो कभी गाय, गोबर, खाद, खेती और ग्रामीण जन को सर्वोच्च स्थान पर रखती थी, लेकिन आज उसी गाय बैल के गोबर के नीचे दब करके इसके प्राणांत होते नजर आ रहे हैं। पूरे भारतवर्ष से कांग्रेस सिमटती जा रही है, तो ये है दुश्मनी कांग्रेस की गोबर से। इसी वजह से अपने दुश्मन को भले ही कोई व्यक्ति अपने हितैषी, अपने दोस्त को याद रखे ना रखे, लेकिन वो अपने दुश्मन को हमेशा याद रखता है। इसी वजह से तर्क, तथ्य और प्रमाणों की कमी के कारण कोई भी कांग्रेसी केवल और केवल अपने दुश्मन गोबर को ही याद रखता है। इसी वजह से केरल की सड़कों पर गाय को डालकर काट दिया जाता है, क्योंकि उनकी दुश्मनी है इससे। वैसे मैं मानता हूं कि यदि आपका किसी की वजह से अहित हो रहा है तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, उसका पालन कीजिए। कांग्रेस यदि सनातन सभ्यता को दोबारा से स्वीकार कर ले, यदि कांग्रेस अपने पुराने पदचिन्हों पर वापस आ जाए, कांग्रेस आज जिस प्रकार से मुस्लिम लीग के साथ में गलबहियां लड़ा करके केरल में इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ी हुई है, जिस प्रकार से वो फुरफुराओं के साथ मिलकर के पश्चिम बंगाल में इलेक्शन लड़ रही है, जिस प्रकार से वो हर जगह पर मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, जिस प्रकार वो 1947 से पूर्व की मुस्लिम लीग के नक्शे कदम पर चल रही है और लगातार हिंदुओं की सभ्यता को, लगातार वो हिंदुओं के प्रतीकों का बहिष्कार कर रहे हैं, ऐसे में भला सनातन सभ्यता से संबंधित गाय हो या बैल, इसके ऊपर गोबर करके इसको मिट्टी में मिलाएगा या फिर इसको ऊंचा उठाएगा? कांग्रेस का कार्य है लगातार दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना और कमल का कार्य है उस कीचड़ में भी खिलकर दिखाना। यदि कोई अटल सत्य की बात करे तो वो क्यों भारतीय जनता पार्टी समर्थित या समर्थक हो जाता है? क्योंकि इन लोगों को सच स्वीकार करना बड़ा भारी पड़ता है। कांग्रेस से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हम ये कहते हैं कि वो सनातन सभ्यता को स्वीकार करे। और जिस प्रकार से एक चाय वाले ने एक राजा महाराजा खानदान की शहजादी को चाय बगान में चाय की पत्तियां तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, आज चाय वाला है, कल गाय वाला भी आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कल आप गौमूत्र पीते हुए नजर आए। सनातन सभ्यता से आप लोगों की नफरत जग जाहिर है। सनातनियों को आपने जिस प्रकार से लगातार हाशिए पर डाला, उनकी अवहेलना की, उनके खिलाफ बिल लेकर के आए, यही है जो आपको मिट्टी में मिलाने के लिए पर्याप्त था। क्योंकि आप जब जब किसी को भी सप्रेस करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, वहां से विस्फोट होगा ही होगा। और ये तो अभी शुरुआत है, ये चाय वाला हो या गाय वाला हो, इस देश के ऊपर राज वही करेगा जो सनातन वाला होगा। और यदि आप लोग जो चुनाव से पूर्व गले में लॉकेट डालते हैं क्रॉस का, अपने नामांकन में नाम लिखते हैं एंटोनियो माइनो, तो भला ये चुनावी रंगरूट जो बदल करके आप रंगरूप आते हैं, दिखाते हैं साड़ी के ऊपर रुद्राक्ष की माला, इस पर कौन यकीन करेगा? सच्चाई यही है कि सनातन सभ्यता के साथ में जड़ों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वही वास्तविक रूप से सनातन के इस राष्ट्र भारतवर्ष का भला कर सकते हैं और वही इसको विश्व गुरु के पद पर पुनर्स्थापित कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।